वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो सऊदी अरेबिया हो गया या फिर म्यांमार हो गया, इराक हो गया या फिर इथियोपिया हो गया, ये तो कुछ नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना से आर्म ड्रोन खरीद रही हैं, जिसकी वजह से चाइना एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया है कॉम्बैट ड्रोन में। और कंट्रीज जो है वो यूएसए का ड्रोन छोड़ के चाइना का ड्रोन प्रेफर कर रही है और इसके कई रीजन है वो देखेंगे अभी हम लोग आगे। उससे पहले आप लोग ये जो आर्टिकल है अल जजीरा का, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हाउ चाइना बिकम द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कॉम्बैट ड्रोन्स। इस पूरे आर्टिकल में दरअसल यही बताया गया है कि क्यों ये जो सारी कंट्रीज हैं ये यूएसए से ज्यादा चाइना के ड्रोन्स प्रेफर कर रही हैं, और सिर्फ प्रेफर ही नहीं, क्यों ये यूएसए के ड्रोन्स ज्यादा खरीद रही हैं, और इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा और भी हम लोग देखेंगे ड्रोन्स के मामले में, खासकर से जो कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं उनके मामले में कौन सी कंट्री सबसे आगे है एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट में, इंडिया का क्या स्टेटस है, पाकिस्तान कहाँ है इंडिया के कंपेरिजन में, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यमन में आप लोग को पता होगा कि सऊदी अरेबिया कई साल से बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा सिविलियंस भी वहां मारे गए हैं। पिछले 8 सालों में लगभग 8,000 सिविलियंस ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि मारे गए हैं। यमन इशू के बारे में अगर आप लोग को अलग से एक वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को बताइएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। इन एयर स्ट्राइक्स में जितने भी सऊदी अरेबिया ने किया है, इसमें ऐसा कहा जाता है कई बार उसने चाइना मेड ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इराक की अथॉरिटी ने भी कंफर्म किया है कि वो लोग चाइना मेड ड्रोन यूज करते हैं। उसने जो आईसिस के ठिकानों पर रेड किया है उसमें कई रेड चाइना के ड्रोन यूज करके किया गया है। इराक की अथॉरिटीज का कहना है इन चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करके जो उसने एयर रेड्स किए हैं आईसिस के ठिकाने पे, उसमें उसको 100% सक्सेस रेट मिला है। उसके अलावा म्यांमार आर्मी हो गई या फिर इथियोपिया के पीएम अबी अहमद, जिन्होंने हाल में ही जो उनके खिलाफ रेबल्स थे उनको सप्रेस करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये सब तो कुछ एक दो गिने चुने कंट्रीज के नाम है। इसके अलावा और भी कंट्रीज के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, यूएई हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी बहुत सी कंट्रीज। ऐसा बताया जाता है कि 17 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको चाइना अपने आर्म ड्रोन सप्लाई करता है। याद रहे मैं सिर्फ आर्म ड्रोन यानी कॉम्बैट ड्रोन की बात कर रहा हूँ, जो सर्विलेंस वगैरह हो गया इन सब ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूँ। सिप्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 17 कंट्रीज में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, चाइना अपने आर्म ड्रोन सप्लाई कर चुका है। टोटल 282 आर्म ड्रोन सप्लाई किए हैं इन कंट्रीज में। और वहीं अगर आप लोग यूएसए से इसे कंपेयर करें, जिसके पास सबसे ज्यादा बेहतरीन ड्रोन्स है, सबसे हाईटेक ड्रोन्स है, तो यूएसए इसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करता है चाइना के कंपैरिजन। यूएसए ने इसी टाइम में केवल 12 ड्रोन्स बेचे हैं, और वो भी सिर्फ 2 कंट्रीज को, फ्रांस और यूके को यूएसए अपने ड्रोन्स बेचता है। बाकी कई ऐसी कंट्रीज है जिसको यूएसए साफ मना कर देता है कि नहीं, हम लोग ड्रोन नहीं बेच पाएंगे। और अक्सर जो यूएसए है वो हवाला देता है कि हम लोग केवल नाटो मेंबर्स को ड्रोन बेचते हैं, और या फिर कह देता है कि हम लोग एंटी सीआर रिजाइम की वजह से आप लोग को आर्म ड्रोन नहीं बेच पाएंगे, बाकी नॉन आर्म ड्रोन जो होते हैं सर्विलेंस वगैरह के लिए वो अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 2018 में यूएसए ने एग्री किया इस बात पे कि हम लोग ठीक है, इंडिया जो कि नाटो का मेंबर नहीं है फिर भी उसे ड्रोन बेचेंगे। लेकिन हालांकि अभी तक कोई डील हुई नहीं है इंडिया और यूएसए के बीच में ड्रोन के परचेज को लेके, इसलिए अभी ये नहीं बताया जा सकता कि ये यूएसए नॉन आर्म ड्रोन की बात कर रहा है या फिर आर्म ड्रोन की बात कर रहा है। लेकिन बहुत हद तक चांसेस है यूएसए आर्म ड्रोन की बात कर रहा है, क्योंकि नॉन आर्म ड्रोन जो होता है वो तो ऐसे ही यूएसए बिना ज्यादा सोचे किसी को बेच देता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये पूरी वो लिस्ट है जिन जिन कंट्रीज को यूएसए अपने जो नॉन आर्म ड्रोन है वो बेच चुका है। ना अगर चाइना की हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि लगातार चाइना से खरीदने वाले जो कंट्रीज है आर्म ड्रोन, और चाइना एक बड़ा प्लेयर बन रहा है इसमें, और इसका जो मेन कारण है वो ये कि चाइना ने स्पेशल फोकस दिया है अपने आर्म ड्रोन कैपेबिलिटी को बढ़ाने में। शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उनने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो आर्म ड्रोन है उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो किसी वॉर सिनेरियो में प्रोफाउंडली चेंज ला सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट ईयर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है उसने ये प्लेज किया था कि हम लोग स्पीड अप करेंगे अपनी जो डेवलपमेंट है और अनमैंड एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है उसको स्पीड अप करने में। कई चाइनीज एनालिस्ट और साथ ही साथ वेस्टर्न एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि चाइना अपनी जो ड्रोन कैपेबिलिटीज है वो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इन ड्रोन का वो इस्तेमाल करेगा ताइवान का जो इशू है या फिर ताइवान स्टेट जो है
वहां पर अगर कोई इशू होता है तो उसमें चाइना का जो ड्रोन प्रोग्राम है उसका जो मेन फोकस जो है वो है बाकी कंट्रीज के जो अच्छे अच्छे ड्रोन है, जैसे कि यूएसए का एमक्यू रैपर हो गया, इसराइल का हेरोन ड्रोन हो गया, उन सब ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज है उसको रेप्लीकेट करना, उस तरीके का ड्रोन बनाना। जैसे कि चाइना का कायोंग 4 ड्रोन जो है वो यूएसए का एमक्यू 9 रैपर जो है ठीक उसकी कॉपी है। वही विंग लॉन्ग 2 जो ड्रोन है चाइना का वो यूएसए बिल्ट एमक्यू 1 प्रीडेटर की बहुत हद तक कॉपी है। और इसमें कुछ नया नहीं है, चाइना हमेशा से यही करता आया है, दूसरों के जो वेपन्स होते हैं उसकी कॉपी कर लेता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है और अपना जो उसी तरीके का वेपन है वो डेवलप कर लेता है। लेकिन अब इतना करने के बाद, इन ड्रोन के जो कॉपी है वो बनाने के बाद, चाइना अब चाह रहा है कि और इससे बेहतर ड्रोन बनाए इनकी कैपेबिलिटीज में एड ऑन करके। चाइना का जो विंग लुंग 2 और 3 है वो इसी का एग्जाम्पल है। ये दोनों ड्रोन जो है वो अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से काफी ज्यादा कैपेबल है, बहुत स्पीड में हो गया या फिर एंड्योरेंस में हो गया। इसके अलावा चाइना जो अब तक ड्रोन बेचता आ रहा है वो बहुत हद तक अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसमें तो सिमिलर है यूएसए या फिर इसराइल के जो ड्रोन है उसके कंपेयर में, लेकिन उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा चीप है बाकी यूएसए और इसराइल के ड्रोन से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो चाइना का जो CH-4 ड्रोन है या फिर विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन के बीच में। वही यूएसए का जो रीपर ड्रोन है उसकी कॉस्ट पड़ेगी अराउंड $16 मिलियन और प्रीडेटर ड्रोन जो है उसकी कॉस्ट पड़ेगी अराउंड $4 मिलियन की। तो चाइनीज जो ड्रोन है वो कैपेबिलिटीज में बहुत हद तक मैच करती है यूएस के ड्रोन से, लेकिन उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा चीप है यूएस ड्रोन से। इसलिए जो कंट्रीज जो इच्छुक है ड्रोन खरीदना वो चाइनीज ड्रोन प्रेफर कर रही है यूएसए ड्रोन के कंपेयर में। इसके अलावा चाइना जिन कंट्रीज को ड्रोन बेचता है उनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म ऑफर करता है। चाइना से जो आर्म ड्रोन खरीदती है वो ज्यादातर कंट्रीज जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है या फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है। एक दो कंट्रीज को छोड़ के बाकी कंट्रीज को चाइना समझता है कि ये लोग डायरेक्टली कैश में पेमेंट नहीं कर पाएंगे इकट्ठा, इसलिए उनको अलाउ करता है कि आप लोग ड्रोन खरीदो हमसे और इसका पेमेंट जो है वो आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ कंट्रीज के साथ चाइना क्या करता है कि बार्टर सिस्टम में उनके साथ ट्रेड करता है, उनको अपने ड्रोन बेचता है और उनसे जो मिनरल्स है उनके पास, ये सब कंट्रीज जो है ये आप लोग देख सकते हो मिनरल्स रिच कंट्रीज है, उनको खरीदता है बिना किसी पेमेंट के। इसके अलावा एक जो मेन कारण है जो चाइना का सबसे ज्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर रही है आर्म ड्रोन्स के मार्केट में या फिर ओवरऑल जो ड्रोन्स है उनके सेल्स के मार्केट में, यूएसए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉलो करता है, यानी कि वो बहुत आसानी से अपना जो ड्रोन्स है वो बेचता नहीं है बाकी कंट्रीज को, अपने जो आर्म ड्रोन्स है वो बेचता नहीं है बाकी कंट्रीज को, और बाकी कंट्रीज जो है जो और ड्रोन्स बनाती है जो बेच सकती है दूसरी कंट्रीज को उनसे बेहतर और उनसे कम कॉस्ट पे तो चाइना ऑलरेडी अपने जो ड्रोन्स है वो बेच रहा है। तो इसलिए जो कंट्रीज ड्रोन्स खरीदना चाहती है वो आजकल चाइना को प्रेफर कर रही है। एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो चाइना है वो अपने ड्रोन सेल करने के बाद कोई एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि अगर वो कंट्रीज जिनने इससे ड्रोन खरीदा है वो किसी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाके भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं, ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करती है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, तो उस पे भी चाइना कुछ नहीं कहता। चाइना एक बार खाली इसको बेच देता है उसके बाद इसका जो यूज है उसको रेगुलेट नहीं करता, उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता जैसे बाकी कंट्रीज लगाती है। इन सब के अलावा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है कि अपने जो अटैक ड्रोन है उनकी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए चाइना किसी कंट्रीज को अगर अपना ड्रोन बेचता है उसके बाद उनके उसको कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो चाइना अपनी कैपेबिलिटीज इतनी डेवलप कर चुका है कि वो तुरंत चेंज कर देता है उस नेगेटिव फीडबैक के अनुसार और तुरंत उसे सुधार लेता है। तो ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो कंट्रीज है वो चाइनीज ड्रोन आजकल प्रीफर कर रही है बाकी कंट्रीज के ड्रोन के ऊपर। कॉम्बैट ड्रोन के लिए याद रहे अब तक जितनी हम लोग ने बात की वो सिर्फ कॉम्बैट ड्रोन के लिए बात की थी, बाकी जो ड्रोन होते हैं जैसे कि सर्विलेंस के लिए हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, इन सब ड्रोन की हम लोग बात नहीं कर रहे थे। कई एनालिस्ट का ऐसा मानना है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी जो चाइनीज ड्रोन है वो भले टेक्नोलॉजी में कम है यूएसए के ड्रोन से या फिर बाकी ड्रोन से, लेकिन इन एनालिस्ट का कहना है कि ये बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी के मामले भी उन कंट्रीज को कैचअप कर लेगा। अगर हम लोग ओवरऑल ड्रोन की बात करें यानी कि कॉम्बैट ड्रोन भी हो गए और साथ ही साथ सर्विलेंस वगैरह वाले जो ड्रोन होते हैं वो भी हो गए, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा ड्रोन जो एक्सपोर्ट करता है वो है इसराइल। अब तक 56 कंट्रीज को ये अपने ड्रोन एक्सपोर्ट कर चुका है। उसके बाद इससे नीचे आती है यूएसए जो 55 कंट्रीज को ड्रोन एक्सपोर्ट कर चुकी है। इसके बाद आता है इस ओवरऑल ड्रोन में भी थर्ड नंबर पे चाइना जो कि 37 कंट्रीज को अपने ड्रोन एक्सपोर्ट कर चुका है। टॉप इंपोर्टर्स यानी टॉप बायर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे नंबर वन पे है इंडिया, सबसे ज्यादा ड्रोन इंडिया ही खरीदता है और ज्यादातर इंडिया खरीदता है इसराइल से। यूएसए से भी बात हो रही है कि देखो हम लोग ड्रोन खरीदेंगे, लेकिन अभी कोई खास इस पे डील आगे बढ़ी नहीं है। यूएसए हालांकि किसी और कंट्री को बेचता नहीं है ड्रोन, नाटो के बाहर जो कंट्रीज होती हैं, और
नाटो के अंदर भी वो सिर्फ दो ही कंट्रीज को अब तक यूके और फ्रांस को ड्रोन बेच चुका है, लेकिन उसके बाद भी यूएसए इंडिया को ड्रोन बेचेगा और यूएसए ने इसे अप्रूव भी किया है। ये चीज दिखाती है कि यूएसए के लिए इंडिया आज के टाइम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है यूके। यूके दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ड्रोन जो होते हैं वो परचेस करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। ये यहाँ पर ग्राफ है, मैं चाहता हूँ इसको आप लोग देखिए। अब तक 38 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास आर्म ड्रोन है, जिसमें से 28 कंट्रीज ऐसी हैं जिनने खुद से इसको डेवलप किया, बाकी सब कंट्रीज ने खरीदा है दूसरी कंट्रीज से। तो ज्यादातर कंट्रीज इसमें चाइना और इजरायली होगी, क्योंकि आर्म ड्रोन की यहाँ पर बात हो रही है और यूएसए आर्म ड्रोन बेचता नहीं है। उसके बाद 11 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूज भी कर चुकी है इन आर्म ड्रोन को स्ट्राइक करने के लिए। पाकिस्तान का भी आप लोग को यहाँ पर नाम मिल जाएगा, जो कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है जिसने आर्म ड्रोन का इस्तेमाल करके स्ट्राइक किया है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया था, जिसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा आर्म ड्रोन सप्लाई करता है दुनिया में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग चाइना को देखोगे इसमें, तो चाइना इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी कि चाइना दुनिया को तो आर्म ड्रोन बेच रहा है, लेकिन आज तक उसने अपने आर्म ड्रोन का इस्तेमाल करके स्ट्राइक नहीं किया है, और इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इंडिया के पास भी आर्म ड्रोन है, लेकिन अब तक इंडिया ने आर्म ड्रोन का इस्तेमाल करके स्ट्राइक नहीं किया है किसी के ऊपर भी ना। उन कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके पास ये आर्म ड्रोन है, तो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यूएसए, इसराइल, यूके, ईरान, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया भी ऑफकोर्स है इसमें, आगे आप लोग को मिलेगा। उसके बाद भी ये जो पूरी लिस्ट है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मैं ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग जाके इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान भी है इसमें। पाकिस्तान का अगर आप लोग को बताऊं तो नवंबर 2013 में पाकिस्तान ने पहली बार अनवील किया था दो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ड्रोन को, लेकिन ये जो ड्रोन थे ये आर्म ड्रोन नहीं थे। उसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना था कि चाइना का जो CH-3 ड्रोन है उसी की कॉपी करके ये ड्रोन जो है वो बनाया गया। चाइना के पास भी ये जो CH-3 ड्रोन है ये भी है, उसके अलावा इसी की कॉपी करके उसने दो ड्रोन उसने डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस किए थे। फिर 2015 में पाकिस्तान ने खुद का आर्म ड्रोन डेवलप किया। तो इन सब चीजों में पाकिस्तान पीछे नहीं रहता, भले खाने पीने के लिए ना हो उसके यहाँ, लेकिन जो वेपन्स की बात होती है उसमें वो पीछे नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के जो लीडर्स है उनके अपने लोगों को यही सब चीज दिखा के बेवकूफ बनाना होता है। इसके अलावा चाइना का Winglong-1 और Winglong-2 भी पाकिस्तान ने खरीदा हुआ है, इसको भी अपने आर्सेनल में उसने ऐड किया हुआ है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने अपना जो पहला ड्रोन था वो बनाया था Rustam-1। ये ड्रोन जो था ये आर्म ड्रोन नहीं था, 2009 में इसको बनाया था। उसके बाद इसी का एक और वेरियंट लेके आया इंडिया Rustam-H करके। Rustam-1 का जो एंडोरेंस लिमिट थी वो 12 घंटे की थी और Rustam-H जो था उसकी एंडोरेंस लिमिट 24 घंटे की थी। इसके बाद नेक्स्ट ड्रोन इंडिया ने बनाया तापास BH-201, जिसको Rustam-2 भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है ये जो ड्रोन है इंडिया का वो आर्म ड्रोन है, यानी कि इससे इसको इस्तेमाल करके अटैक किया जा सकता है दूसरे पे। लेकिन DRDO के डायरेक्टर जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह चुके हैं कि ये जो ड्रोन है ये आर्म ड्रोन नहीं है, नॉर्मल जो सर्विलेंस ड्रोन होते हैं उनकी तरह है। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों का मानना है कि इसका इस्तेमाल आर्म ड्रोन की तरह भी किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप लोग को याद हो तो अक्सर ऐसी न्यूज आती थी कि इंडिया ने इसराइल से ड्रोन खरीदा, इंडिया ने इसराइल से हेरोन ड्रोन खरीदा हुआ है। यूएसए से भी बात चल रही है MQ-9 रैपर ड्रोन खरीदने की, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 2018 में यूएसए ने अप्रूव किया कि भले हम लोग नाटो के बाहर किसी को ड्रोन नहीं बेचते हैं लेकिन इंडिया को हम लोग बेचेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई बड़ी डील इस पे हुई नहीं है। बाकी यहाँ पर नीचे और भी कंट्रीज है, देख सकते हैं टर्की का बायरेक्टर ड्रोन जो है उसके बारे में आप लोग ने सुना होगा। यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसमें यूक्रेन ने यूज किया है रशियन आर्मी के खिलाफ, और इस ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया को काफी डैमेज भी पहुंचाया है, जिसके बाद यूक्रेन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनने एक सॉन्ग भी रिलीज किया था जिसमें वो लोग इसी ड्रोन की तारीफ में गाना भी गा रहे हैं। तो टर्की भी हो गया इस लिस्ट में, बाकी और भी कंट्रीज है ये देख सकते हैं आप लोग, वो कंट्रीज है जिनके पास ऑलरेडी अपना ड्रोन है। नाउ अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के फ्यूचर की बात करें तो देखो फ्यूचर में दो पहलू दिख रहे हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव ये कि आज के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि कई सारे जो टेररिस्ट या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनके पास भी ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंच चुकी है। काफी टेररिस्ट ग्रुप हो गए जैसे कि बोको हराम हो गया, इवन की तालिबान जो है वो भी हो गया, इन सब के पास ड्रोन ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके अलावा इथिकल इश्यूज पे भी ड्रोन जो है उसको लेके बात हो रही है। कई अटैक जो होते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करके उसमें काफी ज्यादा सिविलियंस जो होते हैं उनकी भी जान जाती है। ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ एक पर्सन को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया हो और उसकी वजह से आसपास के जो सिविलियंस उनकी भी जान इसमें चली गई हो। हालांकि अभी ड्रोन के इस्तेमाल को लेके कोई इंटरनेशनल लॉज बने नहीं है, इसीलिए इसमें सही गलत को कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है और किसी भी कंट्रीज को किसी गलत एक्शन के लिए कंडम नहीं किया जा सकता, और ये एक मेजर कंसर्न है ड्रोन के इस्तेमाल को लेके। उसके
अलावा अगर पॉजिटिव चीजों की बात करें तो जो बढ़ते हुए ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज है उसको अगर हम लोग देखें तो ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, तक हम लोग एरियल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की बात करते थे, अब कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अंडर वाटर रिसर्च के लिए या फिर अंडर वाटर मिलिट्री ऑपरेशन भी कह लीजिए उनके लिए क्राफ्ट्स बना रही हैं, उनके लिए व्हीकल्स बना रही हैं। यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, इन जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इस लाइन में काम शुरू कर चुकी है। तो इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो ओशियन है वो हम सब जानते हैं कि अभी तक बहुत ज्यादा अनटैप्ड है। हम लोग मार्स के बारे में ज्यादा जानते हैं अपने ओशियन के सीवेट्स के कंपैरिजन में। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ओशियन है और हम लोग जितना इसके बारे में जानते हैं, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसके वजह से ओशियन का जो सीबेट है उसके रिसर्च में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। उसके अलावा जो वॉरफेयर हो गया आगे के टाइम, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पायलट्स होते हैं हमारे उनकी जान नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि जहां पर अटैक किया जाएगा वहां पर जो लोग होंगे उनकी जान जाएगी। तो ये तो खैर कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि हम लोग अपने जो पायलट्स है, अपना जो मैन पावर है उसको सेव कर पाएंगे। तो ये सब न्यूज थी गाइस ड्रोन्स को लेके। ड्रोन्स की जो इम्पोर्टेंस है आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए बहुत सी कंट्रीज इसको, इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगी हुई है और उसको लगातार इनहेंस करने में लगी हुई है। इंडियन आर्मी ने भी हाल में ही नवंबर में न्यूज आई थी कि 2200 ड्रोन्स का परचेज का ऑर्डर दिया था। तो ये सब चीजें हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।